हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ एक ही घोल से ढेर सारे स्नैक्स। तो इसके लिए हमें लेना होगा बेसन और स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। पानी डाल के हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो बर्तन गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच तेल और डाल देंगे इसमें आधा चम्मच सरसों, सरसों यानी राई। अब इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ प्याज और डाल देंगे कटी हुई बारीक हरी मिर्च। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब मैं यहाँ डाल दूंगी मैश किया हुआ आलू। आलू मैंने बॉईल कर दिन में ही रख लिया था, क्योंकि रमज़ान का टाइम है, अब इतना टाइम नहीं होता कि हम उसी टाइम आलू उबालें कि स्नैक्स बनाएं। तो आलू आप दिन में उबाल कर रख लिया करिए। तो अब मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसमें डाल देंगे हरा धनिया, आधा चम्मच चाट मसाला, रेड चिली पाउडर और अमचूर पाउडर। अब तो आप समझ ही गए होंगे, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं मिर्ची बड़ा। मिर्ची बड़ा बनाने के लिए मैंने ले ली है यहाँ मोटी मोटी वाली मिर्ची। मिर्ची को बीच में से कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मसाला। मसाला एकदम भर भर के डालना है, क्योंकि मुझे तो आलू बहुत पसंद है। आप ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको आलू पसंद है या नहीं। अगर नहीं है पसंद तो भी डाल देना, हो सकता है खाते खाते आपको भी आलू पसंद आ जाए मेरी तरह। लो जी, तैयार हो चुकी है हमारी सारी मिर्ची। इसी तरीके से सारी मिर्ची मैंने तैयार कर ली है। अब इसे डुबोंगी उसी घोल में। बेसन का जो हमने घोल बनाकर रखा था, अच्छे से हम इसको फिल कर लेंगे और गर्म गर्म तेल में हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसे निकाल दूंगी एक प्लेट में। और तैयार हो चुका है हमारा मिर्ची बड़ा। मिर्ची बड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरह। यहाँ मैंने ले लिए पालक के पत्ते। पालक के पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिए। इसे हम डुबोएंगे बेसन में। बेसन में डुबोने के बाद हम इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता गाइस, और खाने में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये अच्छे से फ्राई होने वाले हैं, तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये फ्राई हो चुके हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना ये कैसे लगे आपको। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे सॉस के साथ ज़रूर ट्राई करना। संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। अंडा देखकर आप समझ गए होंगे हम बनाने वाले हैं अंडा वड़ा। अंडा वड़ा बनाने के लिए मैंने बीच में से कट कर लिया है अंडे को, और इसमें जो आलू का मसाला था उसको हमने अच्छे से फिल कर लिया है। तो ये वापस गोल मटोल अंडा बन गया है। मसाला फिल करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आधा आलू आधा अंडा अब हम इसे डाल देंगे बेसन के घोल में और गर्म गर्म तेल में इसे डालकर फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हमारा अंडा वड़ा बनकर हो चुका है रेडी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।